अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अब्दुल सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पिजन टिप्स विद अब्दुल सलाम। दोस्तों, अगर किसी भाई या दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मज़ीद अच्छी वीडियोस इस चैनल पर हासिल करें। दोस्तों, हम आपके लिए आजमूदा नुस्खे लेके आते हैं, हमने बाजियों में ट्राई किए हुए हैं, इनकी रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जो हमने सारे नुस्खे बताए उनकी माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छी है, आप इनको ट्राई लाजमी करें। कुछ लोग कहते हैं कि नेट के नुस्खे अच्छे नहीं होते, ऐसे होता है वैसे, लेकिन ये हमारे आजमूदा नुस्खे हैं, हमने बाजियों में लगाए हैं, माशाल्लाह इनकी बहुत रिज़ल्ट है, इनको लगाएं, इंशाल्लाह आप विन करेंगे बाजियाँ। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये भी कबूतर की परवाज़ के लिए नुस्खा है, इस पे आपका कबूतर 3 घंटे परवाज वाला वो भी इंशाल्लाह शाम को उतरेगा, 3 घंटे परवाज करने वाला कबूतर भी इंशाल्लाह शाम को उतरेगा। ये जो नुस्खा है ये सर्दी का नुस्खा है, इसको सर्दियों में ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 दाने आपने ये कल जो है लौंग लेने हैं, 2 लौंग। उसके बाद आपने 2 अदद मुनक्का लेने हैं, 2 मुनक्का, और 1 जो है बड़ी इलायची लेनी है, 2 दाने ज़ाफ़रान के लेने हैं आपने, ये ज़ाफ़रान है, ये देखें ये ज़ाफ़रान है, 2 दाने आपने ज़ाफ़रान के लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि देसी शहद के 2 कतरे आपने लेने हैं, ये देसी शहद है, इसके आपने 2 कतरे, ये देखें ये, इसके 2 कतरे लेने हैं आपने, देसी शहद के 2 कतरे लेने हैं। और आमे हल्दी जो होती है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, आमे हल्दी उसका आपने गंदम के दाने के बराबर वो दाना आपने लेना है आमे हल्दी का, वो आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों को आपने पीसना है, इनको पीस के इनका पाउडर कर दें अच्छी तरह, जब इनका पाउडर हो जाए तो इसमें 1/2 पाव आपने बकरी का दूध लेना है, 1/2 पाव या उससे कुछ ज़्यादा हो दूध वो लेना है, उसमें इन सारी जो पीसी हुई चीज़ें हैं इनको डालना है, डाल के अच्छी तरह इनको हल करें। फिर आपने क्या करना है कि रात को तकरीबन 10-11 बजे 3 से 4 cc आपने ये पानी देना है, 3 से 4 cc ये और 6 cc सादा पानी फिर कबूतर को दे दें, कबूतर को अच्छी तरह ढांप दें ताकि उसको हवा ना लगे, कबूतर को हवा बिल्कुल ना लगे। सुबह को इंशाल्लाह आप जो है उसको पलटी वगैरह करके जो पानी देते हैं आप, तकरीबन पट्टी वालों को सर्दी में तो तकरीबन 20 से 25 cc पानी देना चाहिए, 20 cc पानी भी सही है, इतना पानी देना चाहिए 20 या 25 cc, वो पानी दे के उड़ा दें, इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है 3 घंटे 2.5 घंटे उड़ने वाले कबूतर भी शाम 6-7 बजे उतरेंगे। पर इसके लिए क्या है कि कबूतर जो है नस्ल होनी चाहिए, कबूतर की नस्ल अच्छी होनी चाहिए, ये बात याद रखें कि कबूतर जो है नस्ली कबूतर हो, वो वही जो है खेल पानी उसी पे असर करेगा, जब उनको खेल लगता है तो वो बहुत उड़ते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका कबूतर आसमान से वापस उतर आए तो उसको क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक दालचीनी लेनी है, उसको 1 पाव पानी में हल करना है, ये देखें ये दालचीनी है, इसको 1 पाव पानी में आपने हल करना है, हल करें, जब पानी 1/2 पाव हो जाए तो नीचे उसको आग से उतार लें। फिर आपने इसको तकरीबन 5 cc फी कबूतर को आपने देना है, 5 cc फी कबूतर को दें ताकि कबूतर जो है सेट हो जाए, जब आपका कबूतर आसमान से उतर आए तो उसको पहले तो उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें, छोड़ने के बाद उसको पलटी वगैरह करके फिर आपने दालचीनी वाला पानी जो है 5 cc देना है, इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है जल्द सेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत सारे नुस्खे लेके आएंगे, इंशाल्लाह हम किसी और नई वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।